अरे जाबर की शतरंजी चालों से वजीर और बादशाह भी मात खा जाते हैं। ये जर्नैल और उसका बेटा तो मामूली से प्यादे है। जाबर, अब तो तेरी मौत उतनी ही दूर है जितनी दूर मैं खड़ा हूं। इंस्पेक्टर, ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं, जाबर का चक्रव्यूह है, जहां से तुम्हारा बाप जर्नैल भी बच के निकल नहीं पाया। अरे तू क्या चीज है? इंस्पेक्टर साहब, मैं मरने से पहले बयान देना चाहता हूं। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, जर्नैल सिंह मुजरिम नहीं है, उसने किसी का खून नहीं किया। खूनी है तो जाबर। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है सर, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूं। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं और यह भी बताया है कि जागीरा का खून जाबर ने किया है, जर्नैल ने नहीं। ये रही उसकी स्टेटमेंट्स। संग्राम सिंह, इंस्पेक्टर शर्मा की स्टेटमेंट की बुनियाद पर तुम जर्नैल सिंह को जेल से निकालने की इजाजत कोर्ट से ले सकते हो। थैंक यू सर।
बेटा, जिस बाप के लिए तूने ये बंदूक उठाई है उसको कानून ने माफ कर दिया है। चल बेटा, चल घर चल। जब तक मैं जाबर का नाम और निशान नहीं मिटा देता मैं वापस नहीं आऊंगा बाबा। जाबर को सजा कानून देगा, तू अपने हाथ में कानून मत ले बेटा। अगर कानून होता तो वो आपको गुनहगार नहीं ठहराता बाबा, बल्कि जाबर को गुनहगार ठहराता। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा बाबा, आप यहां से चले जाओ। नहीं बेटा, मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा, चल मेरे साथ। मैं कहता हूं आप यहां से चले जाओ बाबा। देख बेटा, जिस बाबा की जान बचाने के लिए तू मौत से लड़ रहा है, अगर तू उसके साथ नहीं गया तो वो अपनी जान दे देगा। तेरी कसम, वो अपनी जान दे देगा बेटा। बाबा को किसने फंसाया था? मेरी बहन गीता को किसने मारा था? बोल! मैंने। तेरे गुनाहों की सजा अब मैं तुझे दूंगा जाबर। से तुझे कोई नहीं बचा सकता। यही वो मुजरिम है जो समाज के नाम पर धब्बा है सर। नहीं सूरज, कानून को अपने हाथ में मत लो। नहीं सर। बाबा, बेटा, अच्छा तेरा बेटा बाबा।